और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज एक और आंकिक प्रश्न देखते हैं, गति के समीकरण। एक प्रश्न है कि 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती एक कार पर ब्रेक लगाने पर 6 सेकंड में विरामावस्था में आ जा रही है। कार पर मंदन और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग है 12 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है? समय है 6 सेकंड। अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग अर्थात विरामावस्था, जो विरामावस्था में आती है तो कार का वेग शून्य हो जाएगा, तो अंतिम वेग भी बराबर शून्य। क्या निकालना है? मंदन, ब्रेक लगाने की जो गति है, जो मंदन है, और s विस्थापन। तो गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू माइनस एटी, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ मंदन हो रहा है। v इक्वल टू यू माइनस एटी, तो 0 इक्वल 12 माइनस a इंटू 6, सो ए इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2 m/s², ये उस पर मंदन हो गया, ब्रेक लग रहा है। अब विस्थापन के लिए द्वितीय समीकरण का उपयोग करते हैं, एस इक्वल टू यू टी माइनस, फिर से क्यों? क्योंकि ब्रेक लग रहा था। एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर 12 - 6, सॉरी 12 × 6 माइनस 1/2 × 2 × 6² 72 - 36 इक्वल टू 36 m। तो इस प्रश्न में जो मंदन आया वो 2 m/s² और जो विस्थापन है, रुकने से पहले जो विस्थापन था वो कितना था? 36 m।